सांसद दुष्यंत चौटाला का आरोप, संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचा है कर्नाटक प्रकरण से। दुष्यंत चौटाला ने कहा, भाजपा ने खुद ठेका प्रथा साफ करने का किया था दावा। सफाई कर्मियों की हड़ताल ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का किया है काम। दुष्यंत चौटाला ने कहा, सत्ता में आई तो इनलो रेगुलाइज प्रोसीजर को करेगी पूरा। दुष्यंत ने कहा, 3.5 साल में 5 रुपए भी नहीं आए निवेश के नाम पर विदेश से गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे मुख्यमंत्री। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला आज रोहतक में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। वे आज रोहतक के डेयरी मोहल्ला में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभिन्न पार्टियों से आए कार्यकर्ताओं ने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन। जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा, कर्नाटक प्रकरण से संविधान की गरिमा को ठेस पहुंची है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने खुद ठेका प्रथा समाप्त करने का दावा किया था। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर टिप्पणी करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा, सफाई कर्मियों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। इनेलो की सरकार आई तो वे रेगुलाइज प्रोसीजर को पूरा करेंगे। देखिए, हरियाणा सरकार बारी बारी कहती थी कि हम पूरी तौर पर ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे, और ठेकेदारी प्रथा के साथ साथ ये भी वाक्या था कि मिनिमम वेज देने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को 6,000-8,000 रुपये से कम देकर दिहाड़ी पे रखा जाता है और ठेकेदार उसके अंदर मोटा पैसा कमाने का काम करता है, उसके विरुद्ध में आज पूरे प्रदेश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है। और आज जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है अनिश्चितकालीन धरने का, मैं ये मानता हूँ कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए पहला कदम है। और सरकार अगर नहीं जानती तो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा मिलकर इनके पूरे आंदोलन का समर्थन भी आने वाले समय में करने का काम। मुख्यमंत्री के विदेश प्रवास पर टिप्पणी करते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3.5 साल में 5 रुपए भी निवेश के नाम पर विदेश से नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री स्वयं हरियाणा में थे और उद्योग विभाग के लगभग सभी बड़े अधिकारी भी हरियाणा में ही थे। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दावा करना कि वे निवेश के लिए विदेश गए थे असमंजस की स्थिति पैदा करता है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विदेश में गर्मी की छुट्टियां मनाने गए हुए थे। मुख्यमंत्री का तो खुद का बयान है कि पंचकुला हिंसा के बाद, एजिटेशन के बाद, हिसार हिंसा के बाद प्रदेश से निवेश गया है। पहली हैरानी की बात है कि इंडस्ट्रीज को लाने के लिए विदेश में गए, ना तो इंडस्ट्री का सेक्रेटरी गया, ना इंडस्ट्री का मंत्री साथ लेकर गए। हैरानी ये है कि अमेरिका भी गए थे, चाइना जापान भी गए थे, सिंगापुर भी गए थे, आके उनने हजारों करोड़ की बात करी, मगर 3.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में 5 रुपया भी विदेशों से निवेश के तौर पर नहीं आया। आज जो निवेश लाने की बात करते हैं तो गर्मियां काटने विदेश गए थे, ना तो इनको ये टेंशन थी कि प्रदेश में साइक्लोन की वार्निंग है, ना इनके ये टेंशन थी कि प्रदेश के अधिकतम कर्मचारी धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री तो केवल मात्र गर्मियों की छुट्टियाँ काटने विदेश के दौरे पर। इस अवसर पर इनेलो जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता सतीश नांदल ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज बसपा इनेलो गठबंधन की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में भी इस गठबंधन का असर देखने को मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस की नींद हराम हो चुकी है और ये सोचने पे मजबूर है कि ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम अगर सारे वार्डों में हो गए तो ये कहां जाएंगे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। एक ही बात कहते हैं, चारों तरफ आज एक आवाज है कि इनेलो बीएसपी गठबंधन की सरकार बननी निश्चित है। और ये मान के चलिए कि हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारत में माननीय बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री।